like a Hellcat. हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रियल नंबर्स में आगे बढ़ते हुए आज हम जो पढ़ेंगे वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इससे पहले हम जो दोनों वीडियो थे हमने उसमें पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और लेमा में हमने पढ़ा था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर जो होता है जीरो से बड़ा और बी से छोटा होता है। अब लेमा पढ़ चुके हैं, अब एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या होता है मैंने ये भी बता रखा है। एल्गोरिथम होता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्टेप्स। तो कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहां से यूक्लिड डिवीजन से, तो ये मैं आपको लिख देता हूं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं इसको ताकि हम कंप्यूट कर सके टू कंप्यूट एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। यहां पर तो टू नंबर्स का है, वैसे कितने भी नंबर्स का आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम टू कंप्यूट एचसीएफ, आप समझो एचसीएफ निकालने के लिए हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ अपने पढ़ चुके हैं छठी क्लास में, मैं इतना उम्मीद करता हूं आपको आता होगा एचसीएफ क्या होता है। फिर मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। एचसीएफ का पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी वाले बच्चे एचसीएफ का पूरा नाम महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि एचसीएफ का मतलब क्या हुआ। जैसे मैंने दो नंबर लिए 75 और 15, और मैं आपसे कहूं कि दोनों का एचसीएफ बताओ, एचसीएफ का फील करो पहले। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि इन दोनों नंबरों का एचसीएफ का मतलब हुआ कि कोई ऐसा नंबर बताओ जो इनको डिवाइड करते है, जो दोनों को डिवाइड करे। तो आप कहोगे 3 डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। आप कहोगे फिर 5 भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को 5 भी डिवाइड कर रहा है। फिर आप कहोगे 15 भी डिवाइड कर रहा है, फिर नहीं कर रहा कोई 15 से फिर। तो अब ये क्या एचसीएफ कौन सा है इनमें से, तो नाम में लिखा हुआ है बच्चे ने हाइएस्ट, तो इन तीनों में से हाइएस्ट कौन सा हो गया 15। तो इसका मतलब इन दोनों नंबरों का एचसीएफ कितना हो गया 15 हो गया। समझ में आया एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों का एचसीएफ मतलब ऐसा बड़ा नंबर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। है तो बहुत सारे लेकिन सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ 15। फिर आप निकालते भी थे, शायद ऐसे निकालते होंगे कि फैक्टर किए 75 के फैक्टर कर लिए आपने 3 × 5 × 5, और फिर 15 के 3 × 5। फिर आप देखोगे 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, और दोनों की पावर भी 1:1 है। तो इस तरह से एचसीएफ कितना आ गया 15 आ गया। तो ये मैंने थोड़ा सा बताया है आपको एचसीएफ निकालने का तरीका, लेकिन जब हमें ये आता है तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। फिर आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन ये आना चाहिए था, जब हमें ये आते हैं फैक्टर करके एचसीएफ निकालना तो इसकी क्या जरूरत पड़ी। बिना कारण मैथ में कुछ नहीं होता है, इसकी भी जरूरत हमें पड़ी क्योंकि ये नंबर बच्चे के जैसे हैं, तो छोटे छोटे नंबर। अब मैं आपको लिख दूं जैसे 3 × 2 = 6 और 1 × 2 = 5 = 4, और मैं कहूं इन दोनों का एचसीएफ निकालो, तो आप इनके फैक्टर करने लगोगे तो होली है आपके तो काम। तो ये थोड़े बड़े नंबर है, इनके फैक्टर तो हो जाएंगे लेकिन बहुत दिक्कत होगी आपको, बहुत दिक्कत होगी, बहुत डिफिकल्टी आएगी, ठीक है ना। तो जब बड़े बड़े नंबर आ जाए तो उनका एचसीएफ भी तो हम निकालें, तो इसीलिए आए हमारे न्यूक्लिड महाराज और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ लिया। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम किस तरह से एचसीएफ निकालते हैं वो हमें क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो आप बस इतना सा लिख लीजिए यहां से कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या काम आती है, टू कंप्यूट एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, टू कंप्यूट एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। हिंदी वाले बच्चे लिख लें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यह दो नंबरों के एचसीएफ निकालने के काम में ली जाती है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देखो, हमें एचसीएफ फाइंड करना है 81 और 237 का बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो करते हैं हम, तो क्या कहता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का सबसे पहला काम कि इन दोनों में से बड़ा नंबर छांट लो, दिख भी रहा होगा बड़ा ही है, उसको तो मान लो ए, ये तो आपका काम करेगा ए का, ठीक है, और ये काम करेगा बी का, और फिर आप ले आओ यहां यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मैं आपको लिख देता हूं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है ये हमारे पास ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमको इन दोनों नंबरों को ना इस फॉर्मेट में लिखना है। तो अब मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूं बच्चों। ए क्या होता था आप ध्यान से समझो, ए ए होता था डिविडेंट,
भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है, बी होता था डिवाइजर जिसका हम डिवाइड कर जिसका हम भाग देते हैं, क्यू होता था क्वोशेंट जो हमें फल प्राप्त होता था, और आर रिमाइंडर। ये अब हमको पता है तो हम इसको इस फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ध्यान से समझना, वो कुछ नहीं करना, बड़े नंबर में छोटे नंबर का डिवाइड करना है। एक ही क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। कर दिया डिवाइड, कितनी बार जा रहा है देखो, 81 इंटू 3 करके देख लो कितना हुआ, ज्यादा हो गया तो 2 टाइम्स गया भाई, तो 2 टाइम्स गया तो 81 इंटू 2 कितने होंगे, 162 चला गया। रिमाइंडर कितना बचा, 5, 75 रिमाइंडर बचा। तो बच्चों अभी आप ध्यान से देखो, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखो ए के प्लेस पर तो क्या है, 237 इज इक्वल टू, अब यहां से देखो ना उसको क्या देखना, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। आप देख सकते हो बी इंटू क्यू, यही तो होता है क्यू, और ये क्या होता है आर, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, देख सकते हैं। तो बस हो गया क्या, अब ध्यान से सुनो क्या एचसीएफ आ गया क्या। अब देखो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया ना, मैं बताता हूं कि एचसीएफ हम डिवीजन एल्गोरिथम से निकालते कैसे हैं। जब ये रिमाइंडर जो है ना हमारा, ये रिमाइंडर जीरो आ जाए, ध्यान से सुनना, जब ये रिमाइंडर जीरो आ जाए तब हमारा एचसीएफ जो होगा वो डिवाइजर हो जाएगा, यानी एक तरह से ये बी वाला बी हो जाएगा। ध्यान से सुनो, इफ मैं लिख देता हूं, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर जब आपका जीरो आ जाए देन एचसीएफ इज डिवाइजर, या डिवाइजर ही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, देन डिवाइजर इज ओवर एचसीएफ। ऐसे जैसा हम अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, इफ रिमाइंडर अगर जीरो है तो डिवाइजर ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो क्या यहां रिमाइंडर जीरो आया क्या, नहीं आया। जब रिमाइंडर जीरो नहीं आया तब हम इस प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, मतलब हमारा मेन टारगेट यही है कि हमें ये जीरो करना है। अब आगे बढ़ने का मतलब क्या है बच्चों, आगे बढ़ने का मतलब यह है कि अब है ना ए और बी का काम आपका 81 और 75 करेगा, मतलब अब दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, यह है, तो अब ए ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा। तो अब इन दोनों को इस फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे फिर वही आ जाओ। अब आप बड़ा नंबर कौन सा है 81, 81 में 75 का डिवाइड करो, कितने टाइम्स गया, 1 टाइम्स, कितना रिमाइंडर बचा, 6 बचा, तो अब फिर लिख दो आप आ जाओ, तो 81 इज इक्वल टू 75, क्वोशेंट कितना 1 और रिमाइंडर कितना 6। तो बच्चों आप मुझे इतना सा बताओ, क्या रिमाइंडर जीरो आया क्या, नहीं आया। मैंने आपको कहा है कि ये काम आपको तब तक करते रहना है जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, जैसे ही रिमाइंडर जीरो आ गया जो भी उसमें डिवाइजर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो अब ए और बी का काम कौन करेंगे, बड़ा और छोटा, देखो बड़ा ए होता है छोटा बी होता है, ये दोनों, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब फिर हम करते हैं, अब क्या करना है, इन दोनों को इस फॉर्म में लिखना है, तो फिर हम 6 में 75 में 6 का डिवाइड करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कितना बार गया, 12 टाइम्स गया बच्चे, 12 छिक 72, कितने रिमाइंडर बचे, 3। अब आ जाओ तो 75 इज इक्वल टू 6 इंटू में क्वोशेंट कितना 12 और रिमाइंडर बच्चे कितना मेरा 3। लिख दिया हमने इसको भी इस फॉर्म में, क्या रिमाइंडर जीरो आया क्या, अब भी बिल्कुल नहीं आया, अब भी रिमाइंडर 3 है। तो फिर आगे जाओ, तो अब हमारा ए और बी का काम ये दोनों करेंगे, 6 और 3, 6 ए होगा और बी 3 होगा, तो अब क्या करना है, 6 3 में 3 का 6 में डिवाइड करना है। तो अब की बार आप क्या देख रहे हो, पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब आप यहां मैं लिख रहा हूं 6 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू में 2 प्लस 0,
अब बच्चों बताओ क्या रिमाइंडर जीरो आया क्या? बिल्कुल आया। इसका मतलब अब हमारा जो HCF है वो डिवाइजर हो जाएगा, और यहां पर डिवाइजर का काम बी, मतलब आप ध्यान रखो बी हमारा आंसर हो जाएगा, और बी का काम कौन करता है? तो HCF जो आया हमारा इन नंबर्स का वो कितना आया? 3 आया। देखो दो तीन क्वेश्चन मैं आपको फटाफट समझाऊंगा, आपके बिल्कुल दिमाग में प्रोसीजर बैठ जाएगा कि प्रोसीजर है क्या। ठीक है, तो नाउ अब मैं लिख देता हूं HCF ऑफ 81 और 237 का जो HCF वो मिला वो कितना मिला? 3 मिला बच्चे। इन दोनों का जो HCF है वो कितना है? 3 है। अब इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा क्या बताऊं, आप एक बार इसे है ना वीडियो को पॉज करके नोट करें, मैं एक और क्वेश्चन से आपको ये समझाऊंगा, आप एक बार नोट कर लें। और ये जो काम किया है ना मैंने, ये जो काम है ये आपका साइड में रफ का काम हो गया, करते चलना और ये फॉर्मेट बनाते चलना। इसको वीडियो को पॉज करें और फिर इसको अच्छे से नोट करें। अच्छा एक और क्वेश्चन से हम देखते हैं 210 और 55। अब आप ध्यान से देख लेना, दो तीन क्वेश्चन बहुत होंगे इसे समझने के लिए, फिर हम बड़े बड़े नंबर भी लेंगे, पर छोटे से तो समझ जाए। तो बच्चों देखो, अब बड़ा नंबर ये है, तो ये तो ए हो गया हमारा और ये बी हो गया, है ना। अब आप फिर आ जाओ साइड में, गए चुपचाप से 210 में 55 का भाग देना। तो आप देखोगे इतना तो आपको आना चाहिए, 3 बार चला जाएगा, 3 × 15 और 116, रिमाइंडर बचेगा 45। समझ गया? तो अब हम इसको लिखें बच्चे, ए तो 210 बराबर में बी क्यू प्लस आर, बेटा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। सीख जाओगे धीरे धीरे। क्या रिमाइंडर जीरो आया? नहीं आया। तो अब ए और बी का काम करेंगे, ये दोनों बड़ा ये है ना, तो ये ए होगा ये बी होगा। तो अब क्या करना है, 55 में बड़े नंबर में छोटे नंबर का भाग, ए में बी का भाग, एक बारी जा रहे हैं, कितना रिमाइंडर बचा? 10। लिखे आप, तो अब देखो 55 बी यानी 45 क्यू यानी 1 और रिमाइंडर कितना, दिमाग में रखो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए ये होता है बी ये होता है, क्वोशेंट और रिमाइंडर आप जानते ही हैं, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या रिमाइंडर जीरो आया? नहीं आया। फिर अब A और B का काम ये दोनों करेंगे। अब हमें क्या करना है, 45 में 10 का डिवाइड करना है। देख रहे हैं आप कितने टाइम्स गया, 4 times, 4 times जी करेंगे तो कितने टाइम बाद चला जाएगा, 10 × 4 = 40 और रिमाइंडर कितना बचा? 5 बच गया, 5। अब आप मुझे बताओ 45 को क्या लिखा, 45 इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, रिमाइंडर कितना है? 5। तो क्या रिमाइंडर जीरो आया? नहीं आया। अब 10 और 5 को पकड़ लो, 10 और 5 को, यानी अब 10 में 5 का डिवाइड करना है, पूरा पूरा चला जाएगा, तो इसका मतलब 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 × 2, 5 × 2 प्लस 0। तो क्या रिमाइंडर जीरो आया? आया। तो अब HCF क्या हो जाएगा हमारा? B हो जाएगा, और B के प्लस पर बच्चे क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। जब रिमाइंडर जीरो आए तब हमारा जो डिवाइजर है वही HCF हो जाता है। तो इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का HCF जो हो गया, HCF ऑफ 210 एंड 55 वो कितना हो गया बच्चे? 5। ये जो काम करना है ये इसको आपको रफ में करके दिखाना है, ठीक है ना, तभी तो आप ये फॉर्मेट लिख पाओगे और आंसर हो गया 5 हो गया। साइड में करते रहो, एक लाइन खींचो और साइड में ये डिवाइड करते रहो, ये बनाते रहो बनाते रहो बनाते, घबराओ मत। एक और क्वेश्चन से हमें सीखेंगे, आप इसे नोट करें, वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 867 एंड 255, इन दोनों नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना है। तो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। यहां पर अब ए ये होगा हमारा बड़ा नंबर, ये है और छोटा नंबर ये है। तो बड़े नंबर में छोटे नंबर का डिवाइड करना है, यानी 255 का डिवाइड करना है 867 में। तो आप देख सकते हैं थ्री टाइम्स चला जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और 1 = 16, 3 × 2 = 6 और 1 = 7 चला गया। रिमाइंडर बचेगा 201। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो a यहां पर आपको पता है 867 है, b कितना है 255, इनटू में q कितना है 3 है, और प्लस रिमाइंडर कितना बचा 102। क्या रिमाइंडर 0 आया? क्या नहीं आया। तो अब हमारे लिए a हो जाएगा 255 और b हो जाएगा 102। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 102 का डिवाइड करना है 255 में। यहां पर आप देखेंगे 2 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, ज्यादा बड़े बड़े भाग भी नहीं होते, 3 टाइम्स 2 टाइम्स ऐसे ही जाएगा। तो यहां रिमाइंडर आप देखेंगे क्या बचता है, 1551 रिमाइंडर बचा। तो अब हम इसको लिखते हैं a इज इक्वल टू, a यहां पर अब क्या है 255 है, b यहां पर बच्चों 102 है, क्वोशेंट कितना आया 2 आया, और रिमाइंडर कितना बचा 51 बचा। तो क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया। तो अब हम फिर आगे बढ़ाएंगे, तो अब a ये हो गया हमारे लिए और b ये हो गया हमारे लिए। तो अब 102 में किसका डिवाइड करोगे, 51 का डिवाइड करोगे, तो आप देखोगे 2 टाइम्स चला जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा 0। तो इसको हम लिखें, तो a यहां पर 102 है, b कितना है 51, क्वेश्चन कितना मिला हमको 2, और रिमाइंडर कितना मिला 0। क्या रिमाइंडर हमारा 0 आया? बिल्कुल आया। तो इसका मतलब एचसीएफ हमारा बी हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। तो वो कितना है 51 है। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया है एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 का जो एचसीएफ आया वो कितना आया, 51 आया। तो देखो आप जैसे जैसे आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे ये प्रोसेस आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप वीडियो को पोस्ट करो, नोट करो, और एक और क्वेश्चन हमसे हम इसको समझाते हैं, नोट करें आप इसको। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 420 एंड 130। तो आप एक बार वीडियो को पोस्ट करके एक बार इसे खुद ट्राई कीजिएगा और आंसर चेक कीजिएगा फिर क्या आता है आपका। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बिग नंबर ये हो गया, स्मॉल नंबर ये हो गया, तो हमें क्या करना है, 420 में किसका डिवाइड करना है 130 का। तो आप देख रहे हैं 3 टाइम्स चला जाएगा, 13 × 3 = 39 होते हैं, कितना रिमाइंडर बचा 30। तो हम लिखें इसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो a कितना है यहां पर 420, b कितना है 130, क्वोशेंट कितना है 3, और रिमाइंडर कितना है बच्चे 30। ठीक है ना, छोटी क्लासेस के क्वेश्चन चल रहे हैं यार, कितने आसान क्वेश्चन है। क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया। तो अब हमारे लिए ए ये होगा और बी ये होगा। तो अब हमें क्या करना है, 130 में किसका डिवाइड करना है 30 का। तो फिर 3 टाइम्स चला जाएगा, 4 टाइम्स चला जाएगा, 120 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बच्चे 10, रिमाइंडर कितना 10। तो अब हम इसको फिर लिखेंगे, तो ए कितना है 130, बी कितना है 30, क्वोशेंट कितना आया 4, और रिमाइंडर कितना आया 10। तो क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया। तो इसका मतलब फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो ये ए होगा, ये भी होगा। तो अब आपको क्या करना है, 30 में 10 का डिवाइड करना है, तो 3 टाइम्स चला जाएगा पूरा पूरा। तो इसको भी हम लिखें, तो 30 इज इक्वल टू 10 × 3, और रिमाइंडर कितना 0। तो क्या रिमाइंडर 0 आया? बिल्कुल आया। इसका मतलब ये हमारा एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ 420 और 130 का जो एचसीएफ मिला हमको, क्या मिला 10। और एचसीएफ का मतलब समझ ही देते हो आप कि इन दोनों नंबरों को डिवाइड करने वाला वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 10 होगा। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन से हम इसे समझेंगे। बच्चों एक और क्वेश्चन देखो, 135 एंड 225, इनका हम एचसीएफ निकालते हैं। तो अब यहां पर देखो, बड़ा नंबर ये है ना, तो ये ए होगा
ये नहीं है आप ए और बी ऐसे, बड़ा नंबर हमेशा ध्यान रखना, बड़े में छोटे का भाग देना। तो अब 225 में किसका डिवाइड करना है, 135 का, एक बार ही जाएगा, डिवाइड का काम आप करना है खुद को, ये बचेगा 90। तो हम लिखें आप इसको, तो 225 इज इक्वल टू में बी कितना है 135, क्वोशेंट कितना आया 1, और रिमाइंडर कितना बचा बच्चे 90। क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया। तो अब बड़ा नंबर ये है, ए हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करना है आपको बताइए, अब 135 में किसका डिवाइड करना है, 90 का, कितने टाइम्स गया, 1 टाइम्स, कितना रिमाइंडर बच जाएगा 45। तो इसको भी हम लिखें, तो 135 इज इक्वल टू बी कितना है इसमें 90, क्वोशेंट कितना आया 1, और रिमाइंडर कितना बचा बच्चे 45। क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया। तो फिर आगे बढ़े, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब क्या करना है, 90 में 45 का डिवाइड करना है, कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स, कितना रिमाइंडर 0। तो इसको भी हम लिखें, 90 इज इक्वल टू 45, क्वेश्चन 2 आया, रिमाइंडर कितना आया 0 आया। तो बच्चे रिमाइंडर 0 आ चुका है, इसका मतलब हमारा एचसीएफ ये हो गया। तो एचसीएफ 135 और 225 का जो एचसीएफ मिला वो हमें कितना मिला, 45 मिला। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारे क्वेश्चनों से आप दो नंबरों के एचसीएफ निकालने का मेथड समझ पाए होंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूंगा, जिनको आप खुद ट्राई करेंगे, आप एक बार इसे नोट करें। बच्चों कुछ क्वेश्चन मैं आपको घर के करने के लिए दे रहा हूं, आप इनको खुद ट्राई कीजिएगा, एचसीएफ निकालना है। पहला क्वेश्चन 75 और 243, सेकंड है 196 और 38220, 38220, नेक्स्ट है 408 एंड 1032, नेक्स्ट है 95 और 152, नेक्स्ट है 616 32, नेक्स्ट है 240 और 2048। तो इन क्वेश्चनों को आप खुद ट्राई करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इन क्वेश्चनों को भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच।